कोका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर हत्याकांड में मृतक के परिजनों को मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विहिप का धरना भूख हड़ताल सातवें दिन भी जारी रहा। धरने को बड़ी संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दिया है। कोका में कुछ दिनों पूर्व चंद्रशेखर ठाकुर नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे के नेतृत्व में इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं घर के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्मृति नगर पुलिस चौकी के समक्ष धरना प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। धरने और क्रमिक भूख हड़ताल के 7 दिन होने के बावजूद अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी धरनारत लोगों से चर्चा करने नहीं पहुंचा है। धरने और भूख हड़ताल के 7वें दिन विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अमरचंद सुराना धरना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों से चर्चा की और धरने पर भी बैठे। भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के धरने के 7वें दिन बजरंग दल भिलाई नगर के संयोजक रोहित दुबे भूख हड़ताल पर बैठे। विश्व हिंदू परिषद के अमरचंद सुराना और बजरंग दल के संयोजक रोहित दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक हफ्ता पूर्ण हो गया है, इसी प्रकार से सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्रशासन से आ रहा है ना शासन से आ रहा है, और शासन हम लोगों को बाध्य कर रही है कि उग्र आंदोलन करने, और शायद अब ऐसा लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल अब अपने हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था इस राज्य में चल रही है, 2 दिन के अंतराल में मर्डर हो जा रहे हैं, खुलेआम गरीब लोगों का मर्डर हो रहा है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है उसको मदद नहीं मिल रही है, उसके पास सहयोग है उसको दबाव पूर्वक को देना पड़ रहा है। अभी जो कुर्सी पार में जो घटना हुई थी उसमें सारे लोग बैठे थे, बड़ा समाज बैठा हुआ था, सब लोग लगे हुए थे, उनको उस चीज़ में उनको मुआवजा देना पड़ गया, और इनके साथ में कोई नहीं गया। जब सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद इन लोगों की खबर लेने गया कि क्या कैसा हुआ है, हम लोगों ने जानकारी दी, बड़े दिया राज्य दिया के साथ हम लोग गए थे सारे लोग, तो हम लोगों को पता चला, पूरी जानकारी लगी कि कैसा किस प्रकार से इसकी निर्मम हत्या कर दी गई उस संतान की, और अभी जो कानून व्यवस्था जिस प्रकार से लचर हो रही है, स्मृति नगर जितना शांतिप्रिय क्षेत्र था, नेहरू नगर जितना शांतिप्रिय क्षेत्र था, अभी युवा लड़के लड़कियाँ रात को 11-12 बजे तक, जो कि हमारे संस्कृति में भी नहीं है देखा जाए, लेकिन कानून किसी प्रकार से सजग नहीं है, और यदि कानून यदि इतना कमजोर हो गया है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एकदम तैयार है, वो हमसे भी मदद मांग सकते हैं, और हम सक्षम हैं रात को 11 बजे के बाद पहले दुकान बंद कराने के लिए, तो यदि ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ताकत नहीं रह गई है, तो हम लोग बैठे हुए हैं और यहीं बैठे हुए आकर के हमसे मदद की आशा करें, आशा करते हैं यदि तो आकर के एक हमको रजिस्टर्ड करके दे कि आज से हमारी आपकी जिम्मेदारी है, करा करके दिखाइए, और एक हफ्ते के अंदर यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो जिस प्रकार से बोलेंगे, यदि हमको, मैं भिलाई नगर संयोजक बजरंग दल, यदि एक हफ्ते के अंदर मैंने इधर की दुकानें 11 बजे के पहले बंद नहीं कराएंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। हमको आज 6वां दिन है, हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि एक आदिवासी गरीब परिवार, जिसे शासन खुद मांगती है कि आदिवासी सबसे अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसके लिए शासन और प्रशासन को बहुत उदारता पूर्वक तुरंत पहुंचना चाहिए। 6 दिन में अभी उनका एक व्यक्ति भी इस पंडाल में नहीं आया। क्या मांग करते हैं प्रशासन? पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे दें, उसकी पत्नी के लिए एक शासकीय नौकरी का इंतजाम करें, जिससे वो अपने 5 बच्चों का कम से कम बराबर लालन पालन कर सके। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे ने चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों को मुआवजा और परिवार को एक सदस्य को नौकरी नहीं मिलने तक लगातार धरना और भूख हड़ताल जारी रखे जाने की बातें कही हैं। भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद ने मृतक के परिजनों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया कराई है, साथ ही भविष्य में मृतक के परिजनों को यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।